फ्रेंड्स फ्रेंड्स वेलकम वेलकम एंड बैक टू माय चैनल वर्ल्ड आज मैंने कोई मेकअप नहीं कर रखा आप देख सकते हैं मेरे डार्क सर्कल्स को देख के तो आपको पता लग ही जाता होगा कि आज तो इसने कोई मेकअप नहीं किया और फ्रेंड्स मैंने ना अपनी स्किन पे जस्ट आ, टोनर अप्लाई किया है फिर मैंने सीरम अप्लाई किया उसके बाद मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है तो आज मैं आपके साथ मेरे एक न्यू सीरम का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जिसे मैंने ट्राई किया है आपके साथ मैंने शेयर भी किया है वो सीरम लेकिन उसका नाम अभी तक शेयर नहीं किया था जो कि इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ तो फ्रेंड्स ये जो सीरम है ना ये मैंने नायका पे देखा एक्चुअली और मुझे कहीं और से पता लगा कि इस सीरम का जो स्मॉल बॉटल है वो भी आता है सो तो फ्रेंड्स मैंने ऑनलाइन काफ़ी सर्च किया कि मुझे इसकी स्मॉल पैकेजिंग मिल जाए ताकि मैं इसे ट्राई कर सकूं लेकिन मुझे इसकी स्मॉल पैकेजिंग ऑनलाइन तो अवेलेबल नहीं हुई लेकिन मुझे मार्केट से ये जो प्रोडक्ट था वो मिल गया और टेन परसेंट ऑफ पे मिल गया सो so फ्रेंड्स मैं बात कर रही हूँ लैकमे एप्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस सीरम की और ये छोटी सी बॉटल आप देख सकते हैं ये ग्लास की बॉटल है तो फ्रेंड्स ये सीरम मैंने ट्राई किया है और आज इसका मैं रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी इसके जो भी मुझे रिज़ल्ट मिले हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और मैं बताऊँगी कि ये जो सीरम है मेरी स्किन पर किस तरह से वर्क कर रहा है कर रहा भी है कि नहीं कर रहा है ऐसे ये बस सो फ्रेंड्स चलिए हमारी आज की वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं सोई so, है लैक में एप्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस सीरम नाइन्टी एट परसेंट प्योर नायासनामाइड प्लस ट्राई विटामिन कॉम्प्लेक्स इसकी एमआरपी आर पी टू हंड्रेड नाइनटी नाइन रुपीस है एंड इसकी क्वान्टी आपको फिफ्टीन एम मिल जाती है इसमें बड़ी बोतल भी आती है जिसकी एमआरपी आर पी फाइव हंड्रेड नाइनटी नाइन एंड उसकी क्वान्टिटी थर्टी एम है इसकी जो बड़ी पैकेजिंग है उस पर आपको ईजिली ट्वेंटी ऑफ तक मिल जाती है और ये है इसकी बॉटल और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल सी एक बॉटल है और साथ में आपको एक ड्रॉपर मिलता है जिसकी हेल्प से आप इस सीरम को अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं और फ्रेंड्स ये जो टेक्सचर है काफी लाइट टेक्सचर है पिंक कलर का लाइट पिंक कलर का ये सीरम है और थोड़ा सा इसका जो टेक्स्चर मैं कहूंगी क्रीमी टेक्स्चर है स्किन पे काफी इजली अब्बॉर्ब हो जाता है आप देख सकते हैं और चलिए मैं आपको इसे अभी स्किन पे भी अप्लाई करके दिखाती हूँ नायासिनाइड यानी कि विटामिन बी थ्री जो है आपकी स्किन के पोर्स को नैरो करता है स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ये यह कह रही हूँ कि ये आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करेगा मैं ये नहीं कह रही कि ये आपको एकदम से फेयर बना देगा सो so, फ्रेंड्स इस चीज़ में प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी जो स्किन टोन है वो एकदम से मैं तो नहीं कहूँगी कि फेयर हो जाएगी और साथ ही फ्रेंड्स ये आपकी स्किन के जो स्पोर्ट्स uh, होंगे उनको भी रिड्यूस करेगा और आपकी स्किन पे एक बैरियर बनाएगा फ्रेंड्स आपको इसे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने से पहले अप्लाई करना है लेकिन इसे अप्लाई करने के बाद आपको स्किन पर एस ज़रूर अप्लाई करना है सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है एंड आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरी स्किन में ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है और आपको इसे कभी भी मसाज नहीं करना स्किन पे डैप डैप करना है सो so गाइज मैंने आपके साथ इसकी डिटेल्स शेयर कर दी हैं इसका प्राइस शेयर कर दिया है इसका टेक्सचर, इसका कलर जो भी है सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी हैं और अब बारी आती है इसके रिजल्ट की तो फ्रेंड्स मैंने ना इसके रिव्यूज पढ़े थे तो उसमें लिखा हुआ था कि ये आपकी स्किन को ब्राइटन कर देता है आपकी स्किन एकदम से ब्राइटन अप हो जाती है आपका कलर फेयर हो जाता है तो फ्रेंड्स मैंने सीरम को यूज़ करके देखा है तो मैं कहूँगी कि स्टार्टिंग में तो इस सीरम ने मेरी स्किन पे ब्रेकआउट्स कर दिए जी हाँ फ्रेंड्स स्टार्टिंग में जब मैंने इसे स्टार्ट किया लगाना तो मेरे फोरहेड पे और स्किन पे ना ब्रेकआउट्स हो गए तो मुझे थोड़ा सा डर लगा कि अब मैं इसे कंटिन्यू करूँगी या फिर ना करूँ सो so, लेकिन मैंने इसे डिसकंटिन्यू नहीं किया मैं इसे लगाती गई सीरम जब भी आपको लगाना है आपको टोनर के बाद ही लगाना है आपकी स्किन क्लियर होनी चाहिए इसके बाद टोनर अप्लाई के लिए उसके बाद आपको सीरम अप्लाई करना है और सीरम के बाद आपको मॉइस्चराइज़र और उसके बाद एस लगाना है सो so फ्रेंड्स ये एक प्रोसीजर होता है आपकी स्किन केयर का तो सीरम जो है मैंने अप्लाई किया और मेरी स्किन पे ब्रेकआउट्स हो गए लेकिन मैंने डिसकंटिन्यू नहीं किया मैं इसे अप्लाई करती गई करती गई और मुझे ये जो सीरम है काफ़ी अच्छा लगा जी हाँ फ्रेंड्स बिकॉज ये आपकी स्किन को मैं नहीं कहूँगी कि ये एकदम से आपकी स्किन को फेयर कर देगा नहीं फ्रेंड्स ये आपकी टोन को एक शेड लाइट कर देता है अगर आप इसे कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते हैं और सीरम जो है आपको मॉर्निंग में जब भी लगाना है इसके बाद एसपीएफ ज़रूर लगाना है अगर आप सिर्फ सीरम अप्लाई करके मॉइस्चराइजर अप्लाई करके इस एस पी एफ नहीं लगाते तो आपकी स्किन को डैमेज हो सकता है इसलिए फ्रेंड्स जैसे कि इसमें नया सिनेमाइट दिया गया है इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके बाद एस पी एफ़ ज़रूर लगाएं इसके ऊपर भी मेंशन किया गया है कि जब भी आप इस सीरम को यूज़ करें उसके बाद एस पी एफ़ ज़रूर लगाएं और रात में भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि आप नाइट स्किन के रूटीन करते हैं तो उसमें आप अपनी स्किन को क्लीन करके टोनर करके फिर आप इस सीरम को अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी नाइट क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं सो फ्रेंड्स ये जो सीरम है इसका टेक्सचर तो काफ़ी लाइट वेट है स्किन पे काफ़ी इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और स्किन को ना काफ़ी ग्लोइंग भी बना देता है जैसे कि आपने देखा कि मैं इसे जब अप्लाई कर रही थी तो मेरी जो स्किन थी काफ़ी ग्लोइंग हो गई थी और आप अगर एक स्किन को थोड़ा सा प्लम्पी भी बनाना चाहते हैं तो भी आप इस सीरम को यूज़ कर सकते हैं बिकॉज़ ये जो सीरम है मुझे लगता है कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए वर्क करेगा और मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है सो so विंटर्स में तो मैं इस सीरम को यूज़ कर रही हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो सीरम है मैं समर्स में यूज़ करूंगी बिकॉज समर्स के लिए ना इस तरह के सीरम कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन वालों के लिए वर्क नहीं करते सो so Uh, उस टाइम के लिए मेरे पास अलग से सीरम है मैं वही यूज़ करूंगी लेकिन विंटर में मैं इसे यूज करने वाली हूँ और ये जो सीरम है आप भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं लेकिन आपको बस प्रिकॉशन ये रखनी है कि इसे अप्लाई करने के बाद आपको एस ज़रूर अप्लाई करना है ये आपकी स्किन को प्लम्पी बना देगा आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा मॉइस्चराइज करेगा और आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग भी लगेगी सो so, फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो आपके लिए आई होप मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल हो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा एंड फ्रेंड्स आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आल्सो प्रेस आल बेल आइकन बटन जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सो so, मिलते हैं हम हमारी नई वीडियो के साथ थैंक यू फ्रेंड्स बाय बाय